जय हिंद दोस्तों। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो मिड कैप का हिस्सा है, 217 नंबर पर स्टॉक रैंक करता है। इस स्टॉक के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं स्टडी। मार्केट कैप अराउंड 18,240 करोड़, स्टॉक की पीई 19, 52 वीक लो 405 और 52 वीक हाई 658, दैट इज 658। अब क्वार्टरली नंबर्स को चेक करेंगे और क्वार्टरली नंबर्स हमारे सामने हैं एंड हर स्टॉक की जो मूवमेंट होती है उसमें जो असली खेल होता है वो यहीं पे होता है, कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है नंबर्स के माध्यम से। एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है पर आपको कन्फ्यूज़ ज़रा भी नहीं होना है। एंड यहाँ पर जिस चीज़ पर हमें फोकस करना है वो है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट एंड EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर। और यहाँ पर हम पिछले एक साल का यानी कि पिछले चार क्वार्टर्स का जो डाटा है उसको कंपेयर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ। जून 2020 में था 478 करोड़, सितंबर 20 में बढ़त आई 550 करोड़ के लगभग, दिसंबर 2020 में 20 करोड़ की गिरावट 530 करोड़ एंड मार्च 2021 में फिर से गिरावट 523 करोड़ का नंबर पोस्ट किया। सो यहाँ पे देखने क्या मिल रहा है, सितंबर 2020 में नंबर्स ने एक बढ़िया सा हाई लगा दिया एंड वहाँ से थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने मिल रही है नंबर्स में। आगे बढ़ेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि PBT। जून 2020 में 358 करोड़ था, सितंबर 2020 में थोड़ी सी गिरावट 339 करोड़, दिसंबर 2020 में छोटा सा उछाल 348 करोड़ एंड मार्च 2021 में फिर से गिरावट 338 करोड़। नेट प्रॉफिट 254 करोड़ का नंबर जून 2020 में, सितंबर 2020 में 234 करोड़ गिरावट, फिर से छोटा सा उछाल 248 करोड़ दिसंबर 2020 में एंड फिर से थोड़ी सी गिरावट 234 करोड़ का नंबर मार्च 2021 में। लास्ट EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, जून 2020 का EPS मिला 9, नेक्स्ट सितंबर 2020 में EPS 8.29 एंड दिसंबर 2020 में EPS 8.8, छोटा सा उछाल एंड फिर से थोड़ी सी गिरावट सब मार्च 2021 में 8.29 का हमें देखने मिल रहा है। और ये सारे ही नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं वो सारे नंबर करोड़्स में हैं। सो नंबर्स के माध्यम से हमें क्या देखने मिल रहा है कि कंपनी के जो नंबर है थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो रहे हैं एंड कोई भी घबराहट की बात नहीं है नंबर्स के थ्रू, मतलब कोई भी बड़ी नेगेटिविटी देखने नहीं मिल रही है, स्टेबल कंपनी है, नंबर्स काफ़ी स्टेबल है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे बैलेंस शीट में हमें क्या देखना है, बैलेंस शीट में हमें देखना है बोरोइंग्स एंड एसेट्स यानी कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं। अब कर्ज को चेक करेंगे, बोरोइंग्स मार्च 2021 में कंपनी के पास कर्जा है 4,402 करोड़ का, जो पिछले साल 4,869 था, जो कर्ज अभी कम हो गया है यहाँ पे क्लियरली देखने मिल रहा है। एंड कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, 15,604 करोड़ के, बढ़िया बात। नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स की होल्डिंग को अगर देखेंगे तो 46.63% की होल्डिंग। नेक्स्ट विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि FIIs 25.84%, बढ़िया होल्डिंग। DIIs घरेलू संस्था है 9.16 एंड पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 18.38% का हिस्सा हमें देखने मिल रहा है। सो अगर ओवरऑल हाईलाइट देखें या फिर रिविजन अगर हम करें फंडामेंटल्स का तो क्या देखने मिल रहा है, कंपनी के जो नंबर्स है Q-on-Q बेसिस पे स्टेबल है, कोई भी बड़ा बदलाव देखने मिल नहीं रहा है। एंड पॉजिटिव बात और क्या है कि कंपनी का जो कर्ज है एज़ कम्पेयर टू मार्च 2020 कम हुआ है एंड एसेट्स भी अच्छे हैं 15,000 करोड़ के। और लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हमें बढ़िया से बढ़िया होल्डिंग देखने मिल रही है, प्रमोटर्स के पास 46% एंड विदेशी संस्थाओं के पास 25%। सो ऑलमोस्ट 69-70% की होल्डिंग तो यहीं पर ब्लॉक हो गई एंड ये दिखाता है स्टॉक में कितना कॉन्फिडेंस है लोगों का और पब्लिक के पास भी 18% की होल्डिंग। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर और वो है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और वो है ये, अगर आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का प्लान कर रहे हैं या खोलना है तो आप FIPaisa.com के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के लिए जो ब्रोकरेज आपको पे करनी है वो है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। वो ऑर्डर किसी भी वैल्यू का हो सकता है, किसी भी सेगमेंट का हो सकता है, 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। साथ में अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के साथ अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगी 250 रुपीज़ की, जी हाँ 250 रुपये की क्रेडिट मिलेगी। और साथ में पहले महीने के लिए जो ब्रोकरेज आपको चुकानी है वो है शून्य। अभी हम चार्ट पैटर्न्स पे जाएंगे और ये है चार्ट पैटर्न ग्लेनमार्क फार्मा का। पिछली बार जो स्टडी की थी वो डाटा यहाँ पर वैसा ही होता है, आपको यहाँ पे ये जो तीन लाइंस दिख रही है वहाँ पे क्लिक करके आपको डाटा को सेव करना होता है। पिछली बार हमें क्या स्टडी की थी वो भी देख लेते हैं। आप देख लीजिए 6 अप्रैल 2021 वीडियो नंबर 244, 508 के ऊपर स्टॉक तेज़ी में आता है, 530, 55,
इस रेंज को स्टॉक ब्रीच कर सकता है, एंड स्टॉक ने एग्जैक्टली उस रेंज को ब्रीच किया एंड स्टॉक उसके ऊपर सक्सेसफुली काम कर रहा है, लगभग ऑलमोस्ट 100 रुपये उसके ऊपर काम कर रहा है। सो यहाँ पे आइए tradingview.com पे, ड्रॉ कीजिए चार्ट पैटर्न्स, स्टडी कीजिए एंड फिर आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा एंड आपको अलग मज़ा आएगा अपना काम करने में। एंड यहाँ पे आप सारा ही आपका डाटा आप सेव कर सकते हैं, कभी भी आइए, कितने भी दिनों के बाद आइए, आपको आपका डाटा वैसा ही मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए जिस तरह से इस रेंज को ब्रीच करके स्टॉक ऊपर गया, एक अलग जोन में चला गया, अलग रेंज में चला गया एंड यहाँ पर स्टॉक ने किस तरह से काम किया उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए स्टॉक ने किस तरह से काम किया, स्टॉक ने यहाँ पे अपनी कर्व पैटर्न को कंप्लीट कर दिया फर्स्ट, नेक्स्ट स्टॉक ने एक और कर्व पैटर्न को कंप्लीट कर दिया दो, एंड यहाँ पर अगर हम देखें ना तो स्टॉक ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कंसोलिडेट कर रहा है, सुस्ता रहा है एंड स्टॉक जो है एक ही रेंज में काम करने की कोशिश कर रहा है। नाउ यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है ये कि स्टॉक जो है नीचे की तरफ एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा बना दिया है, और पीछे नीचे की तरफ अगर हम देखें तो इस रेंज, ये जो रेंज है उसकी लोएस्ट क्लोजिंग है उसको ढूंढने के, मैं वन बाय वन यहाँ पे कर्सर रखूँगा, मैं कर्सर यहाँ रखूँगा, आप क्लोजिंग को देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग मिले थे 643, फिर 640, 642, 639, 640, 641, 40, 38 एंड यहाँ पे देखिए 31, जी हाँ 631 यहाँ की लोएस्ट क्लोजिंग है। एंड इसको हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे एक बेसिक लाइन ड्रॉ करूँगा 631। सो इसके नीचे स्टॉक निकलता है, कमजोरी बढ़ सकती है स्टॉक में, सेल ऑफ देखने मिल सकता है थोड़ा सा, साथ में अगर मार्केट्स नेगेटिव होते हैं तो। अब ऊपर की तरफ स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट हाईएस्ट क्लोजिंग कौन सी दी थी, आप यहाँ पर देखिए ये दिन कौन सी मिली थी 652.9। नेक्स्ट डे यहाँ पे कोई भी मुझे बड़ी क्लोजिंग दिखने मिल रही है, यहाँ पर पिछले सेशन में क्या दिखने मिल रहा है 646। सो ये जो क्लोजिंग थे ना 652.9 या फिर 653 भी हम कह सकते हैं, ये जो है इस रेंज की हाईएस्ट क्लोजिंग है एंड इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन कलर से। ओके सो ये जो रेंज है इस पर ध्यान दीजिए एंड सबसे पहले मैं लेवल लिख देता हूँ, ये नीचे का लेवल मैं पहले लिख देता हूँ 631, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है पिछले दिनों का स्टॉक का, सपोर्ट भी कह सकते हैं, स्टॉप लॉस भी मानिए स्टॉक इस लेवल को। इसके नीचे स्टॉक जा नहीं रहा है, इसके नीचे स्टॉक बन नहीं दे रहा है एंड ऊपर की तरफ की बात करें, ऊपर की तरफ के दायरे कौन से हैं 653, इसकी क्लोजिंग मिलनी बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर स्टॉक जब बन देगा तब स्टॉक में जो है तेज़ी का नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा एंड इसको जब स्टॉक क्लियर करेगा, जी हाँ 653 इसको जब स्टॉक क्लियर करेगा तो किस रेंज में स्टॉक चला जाएगा, और स्टॉक चला जाएगा इस रेंज में 685 से लेके 715, यस 685 715 इस रेंज में स्टॉक जो है आराम से चला जाएगा, बट शर्त यह है मार्केट में तेज़ी बननी चाहिए एंड 653 के ऊपर की क्लोजिंग जो है मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पर और एक चीज़ पर अगर हम फोकस करेंगे ना तो स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है वो भी देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक बेसिक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ, देखिए मैंने बेसिक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर ली एक ये, एंड यहाँ पर जो हाई पॉइंट है उसके साथ मैंने हाई पॉइंट को जोड़ दिया, माफ कीजिएगा मैंने रॉन्ग जगह उसको ड्रॉप कर दिया, ये देखिए मैंने उसको छोड़ दिया, तो हमें यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है, स्टॉक जो है राइजिंग वेज पैटर्न में काम कर रहा है, जी हाँ स्टॉक राइजिंग वेज पैटर्न में काम कर रहा है एंड पूरी कोशिश करेगा आने वाले दिनों में, ये जो रेंज है आने वाले दिनों में नैरो हो जाएगी एंड इसमें स्टॉक ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि फंडामेंटली भी काफ़ी मजबूत स्टॉक है एंड टेक्निकली भी हमें देखने मिल रहा है किस तरह से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। एंड इसी यही जो पैटर्न है इसके अंदर और एक पैटर्न आपको क्या देखने मिल रही है, वो है असेंडिंग ट्रायंगल की, देखिए आपको क्लियरली देखने मिलेगा एंड उम्मीद कर रहा हूँ आप जो है यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमने एक साथ ड्रॉ कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे रिगार्डिंग ग्लेनमार्क फार्मा क्लियर होंगे एंड आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, tradingview.com पे आइए, चार्ट पैटर्न्स को ड्रॉ करना शुरू कीजिए एंड सेव करना शुरू कीजिए, नेक्स्ट टाइम जब भी आप आओगे आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं स्टडी। सो फ्रेंड्स ये है ग्लेनमार्क फार्मा के ऊपर अपडेट, 653 की क्लोजिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर स्टॉक बंद करता है तो ऊपर की तरफ निकल सकता है और जिस रेंज में स्टॉक जा सकता है वो है 685 715, इस रेंज में स्टॉक कहीं जाके सेटल हो सकता है एंड नीचे की तरफ 631 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है पिछले दिनों का, उसे स्टॉप लॉस भी मान सकते हैं, उसको तोड़ देगा तो गिरावट और बढ़ सकती है। और साथ में स्टॉक यहाँ किस पैटर्न में काम कर रहा है, वो एक जो पैटर्न जो हमें क्लियरली देखने मिल रही है वो है राइजिंग वेज पैटर्न, जी हाँ स्टॉक क्लियरली राइजिंग वेज पैटर्न में काम कर रहा है और साथ में असेंडिंग ट्रायंगल की जो पैटर्न है उसमें भी यहाँ पे हमें क्लियरली देखने मिल रहा है काम कर रहा है। इसी तरह से पैटर्न के अंदर पैटर्न भी आप ढूंढिए एंड हो सके उतना फोकस कीजिए चार्ट पैटर्न्स के ऊपर।
एंड लाइक जैसे मैंने कहा, उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। एंड आपको टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना है हमारे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।